दिखता नहीं है लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। इसलिए वक्त की कीमत समझिए और अपने आप को सही काम में लगाइए। इन शब्दों को समझ लिया तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर महीने में ये शब्द सफलता की पक्की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं सिंह राशि दिसंबर 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी ग्रहों के परिवर्तन से शुरुअत करेंगे, उसके बाद कौन सी डेट में आपको अलर्ट रहना है, दिसंबर महीने में कौन सी शुभ डेट्स है, बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार दिसंबर कैसे बने इसके बताऊंगा विशेष उपाय। लेकिन सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात करते हैं। 2 दिसंबर से शुक्र छठे भाव मकर राशि में, 6 दिसंबर से मंगल 12th हाउस में कर्क राशि में रहेंगे और वक्री हो जाएंगे। 15 दिसंबर से सूर्य आपके पंचम भाव में धनु राशि में और 15 दिसंबर से ही बुध 4th हाउस वृश्चिक राशि में, लेकिन अब वो मार्गी हो जाएंगे। 28 दिसंबर से शुक्र 7th हाउस कुंभ राशि में रहेंगे। इसी से हमने आपका राशिफल तैयार किया है। प्रिय साथियों, मैं हूं, आप हो, आम खास कोई भी व्यक्ति हो, महीने में 2-4 दिन हमें ऐसे लगते हैं कि हमारा काम बन गया, लेकिन बनता काम उसी टाइम बिगड़ जाता है और मन में उथल पुथल, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग शॉपिंग, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई तरह के डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। ये वक्त तब होता है जब सिंह राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी है, 4th, 8th, 12th जाएंगे, हमें तकलीफ देंगे। इन डेट्स को आप नोट कर लीजिए, 1, 2, 27, 28, 29 दिसंबर को 4th, 9, 10 दिसंबर को 8वें और 18, 19 दिसंबर को 12वें रहेंगे, ख्याल रखिएगा। लेकिन अशुभ डेट के अलावा शुभ डेट्स बहुत सारी है। ये देखिए झड़ी लगी हुई है, 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 27, 28 और 29 दिसंबर को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी हो। 14 दिसंबर तक 4th हाउस में सूर्य बुध का बुधा देती हो। 18-19 दिसंबर को 12th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और इस पूरे महीने आपके 7th हाउस व्यापार और मैरिटल लाइफ के घर में शश योग रहेगा। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24 नवंबर को जयपुर, 28 नवंबर चेन्नई, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव या गुरुग्राम रहूंगा। दिसंबर महीने में 1 और 20 दिसंबर को मुंबई, 7 दिसंबर नोएडा, 8 दिसंबर पुणे, 14 और 28 दिसंबर दिल्ली, 15 दिसंबर रायपुर, 21-22 दिसंबर दुबई और 27 दिसंबर को मैं पटना में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं राशिफल की बिजनेस एंड वेल्थ से। सबसे पहले तो देखिए, शश योग आपके बिजनेस हाउस में ही बना हुआ है और 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं, 29 मार्च तक ये मार्गी रहेंगे। तो यहां पर एक बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जो लोग आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल और प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं, उन लोगों की चांदी रहेगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी जान पहचान बनेगी और पॉलिटिशियन से भी आपकी जान पहचान, आपके कई काम बनवा देंगे। यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है कि मंगल खर्चे के भाव में विराजमान है और शनि और मंगल का षडाष्टक दोष है। कोई कॉम्पिटिशन अगर आपके बिजनेस में चल रहा है तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। लीगल अवेयरनेस आपको रखनी होगी, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, हर काम में रिसर्च करके फिर आगे बढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। किसी की गाइडेंस से मत चलिए, खुद चिंतन मंथन करिए और व्यापारिक यात्राओं में धन तो व्यय होगा लेकिन यात्राएं आपको लाभ जरूर देगी। शनि स्वग्रही होकर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं, इससे आप जो प्लानिंग बनाएंगे उसकी शुरुआत जरूर करिए, क्योंकि कई बार आपने प्लान तो किया लेकिन उसे आप कर नहीं पाए। शनि की स्पीड बहुत धीरे है, इसीलिए कहा जाता है शनि शनि चले जो शनिश्चर, 3 दिन के काम को 13 दिन में करवाने, इसलिए आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज कर लेना है। यहां पर देखिए 14 दिसंबर तक धन भाव और 11th हाउस जो कि इनकम का घर होता है, इन दोनों को लॉर्ड बनता है बुध। बुध बिजनेस की चतुराई सिखाते हैं, वो 4th हाउस में सूर्य बुध के बुधादित्य योग के साथ आपको बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देने वाले हैं। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, फैशन और किसी प्रकार के स्पा सैलून, जिम चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, लाइजिंग का काम करते हैं, तो बुध आपके लिए बेहतर काम करने वाले हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में लेकिन वो मार्गी चल रहे हैं, इसलिए आपको इतना ख्याल जरूर रखना है कि अगर आप पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है आपके पास अधिकार न हो लेकिन आप चरैवेति लगातार अपने प्रयास को करते जाइए, इसी में ही आपकी भलाई है। इसके अलावा राहु 8th हाउस में विराजमान है, जो आपको अज्ञात भय, खुद पर विश्वास की कमी देगा। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या कहा था, वक्त की कीमत समझ लीजिए, वक्त रहते एडवांस में प्रिपरेशन करिए तो आपके लिए शानदार समय हो सकता है। मंगल की जो दृष्टि है, 4th दृष्टि आपके भाई बहन के घर पर है, 7th दृष्टि दुश्मनों के घर पर है और 8th दृष्टि बिजनेस के घर पर है। इस वजह से अगर आप अपने पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं
परिवार के लोग आपके जो व्यवसाय के अंदर किसी तरह के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप आईटी का काम करते हैं, डीजे साउंड सिस्टम का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी, मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, बेकरी शॉप चलाते हैं, कोई भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हर ट्रांजेक्शन अपनी देखरेख में करिए, हर मीटिंग में आप रहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो किसी और पे भरोसा करोगे तो वो आपको धोखा देंगे, क्योंकि मंगल धोखा दिलवाते हैं 12th हाउस में। 15 दिसंबर से सूर्य का 7th हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध बन जाएगा जब ये पंचम स्थान में आ जाएंगे। इस वक्त आपका ज्ञान बोलेगा, आप बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे और व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। और यहाँ सूर्य अगर पंचम स्थान में विराजमान हो तो शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से बेहतर डील आप कर पाएंगे। जाते जाते 28 दिसंबर से 7th हाउस में ही शुक्र आ जाएंगे, जो अगले साल के लिए रोड मैप आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर शुक्र आते ही जो लोग इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर है, कोई भी होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, मोटेल चलाते हैं, कैफे चलाते हैं, उन लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, तो आपको शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले देखिए 2 तारीख से यानी 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग रहेगा। गुरु यहां पर रहेंगे और शुक्र यहां पर विराजमान रहेंगे, एक केंद्र में विराजमान है, एक त्रिकोण में विराजमान है, ये एक बड़ा राजयोग बन रहा है, जिस वजह से आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। जॉब में ही कोई परिवर्तन करना है, आपको बेहतर पोस्टिंग चाहिए, बेहतर ट्रांसफर चाहिए, तो ये सब संभव इस समय विशेष में आपके बन रहा है। अगर आप किसी प्रकार के आईटी में हैं, मैनेजमेंट लेवल पे हैं या जुडिशरी में हैं, तो आपके लिए सफलता के द्वार अब नए खुलने वाले हैं। छठा भाव भी जॉब का होता है। छठे भाव के लॉर्ड शनि केंद्र में विराजमान है और वो मार्गी हो चुके हैं, स्वग्रह बनकर शश योग बना रहे हैं। इस समय विशेष में आपका आत्मविश्वास वापस लौट आएगा और जो जॉब छूट चुकी थी, जॉब आपके पास नहीं है तो जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब है उसमें तब्दीली और परिवर्तन तय है। बात करते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके कर्म स्थान में विराजमान है। पांचवी दृष्टि से धन भाव, सातवीं दृष्टि से 4th हाउस सुख के घर को और नवमी दृष्टि से ये आपके जॉब के घर को देखते हैं। और इस वक्त गुरु वक्री चल रहे हैं यानी पीछे चल रहे हैं। आपको भी पीछे जाकर अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करना चाहिए। नए और बड़े लोगों से मुलाकात करने का आपको अवसर मिलेगा। यात्राएं करके आप अपनी कंपनी के लिए बेहतर काम करने वाले हैं, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मंगल आपके लिए अमंगल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि मंगल नीच राशि के 12th हाउस में विराजमान है और छठे घर पर उसकी दृष्टि है। छठा घर जॉब का होता है, इस वजह से आपको इतना ध्यान रखना है कि भरोसा किसी पर भी नहीं करना है, वरना ये चिंता बढ़ जाएगी। आपके पड़ोस में किसी की जॉब चली गई, अब आपको घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता और एंग्जाइटी ये मंगल देने वाले हैं। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए, अपने काम को 100% दीजिए और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करिए। 14 दिसंबर तक सूर्य की सातवीं दृष्टि दशम स्थान पर रहेगी। गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के लिए ये बेहतर समय है। अब बात करते हैं केतु की। केतु धन भाव में विराजमान होकर पांचवी दृष्टि से जॉब को देखते हैं और गुरु केतु का दृष्टि संबंध है। झूठे लांछन आरोप, लीगल कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने लीगल अवेयरनेस नहीं रखी तो आपको कोई बदनाम कर सकता है, कहीं फंसा सकते हैं, इस वजह से आपकी जॉब जा सकती है। 15 दिसंबर से सूर्य का छठे भाव से 2-12 का संबंध बन जाएगा, जिस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो 14 तारीख तक कर लीजिए, 15 तारीख के बाद ये करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। सिर्फ अपने काम पर फोकस रहिए, ये समय आप अपना बना सकते हैं। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। सबसे बढ़िया तो एक ही काम हो रहा है कि 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग है। गुरु यहाँ पर है और शुक्र यहाँ पर विराजमान है और ये लव पार्टनर के घर में जब शुक्र विराजमान है, चट मंगनी पट ब्याह भी हो सकता है। लव पार्टनर को अब आप लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, प्रेम जीवन और ज्यादा मजबूत होगा। इसमें इतना ही ख्याल रखना है कि कई बार या हमेशा ही पति पत्नी में या लव बर्ड्स में जो झगड़े फसाद होते हैं वो किसी और की बातों पर और छोटी छोटी बातों पर झगड़े फसाद होते हैं। ये काम मंगल अमंगल के रूप में करवाने वाले हैं क्योंकि 12th हाउस में विराजमान है। 12th हाउस में विराजमान होकर अपनी 8वीं दृष्टि से पति पत्नी घर को देखते हैं और शनि मंगल का षडाष्टक दोष है। ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी अपने रिश्तों में रखोगे तो ये समय आपका है और घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए यात्राएं करनी होगी, धन बहुत खर्च होने वाला है, प्लान करके सारे काम करने होंगे। शनि 7th हाउस पर मार्गी हो चुके, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी जल्द रिश्ते आकर बात पक्की हो सकती है और आपको मन चाह वर या वधु प्राप्त हो सकती है। दिल की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आप ये कर पाएंगे। महिलाओं के लिए समय बहुत शानदार है क्योंकि महिलाएं अपने पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करेंगी और प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर बनाने वाली। मैरिड लाइफ में जो समस्या है वो सिर्फ शनि मंगल के षडाष्टक दोष की वजह से आ सकती है, इसलिए किसी और की बात करिए ही मत, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करिए। किसी और की बातों से झगड़े फसाद अक्सर होते आए हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि शनि मंगल का जो षडाष्टक दोष है,
आपका पुराना कोई साथी, पुराना कोई प्रेमी या प्रेमिका जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है, वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको फंसाने का काम कर सकते हैं। इस वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो आपको इसको लेकर अवेयर जरूर रहना चाहिए। संतान के घर के लॉर्ड केंद्र में और संतान के घर में जब शुक्र रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको संतान सुख भी मिलेगा और संतान से सुख भी मिलेगा। इतना ध्यान रखिए कि मंगल 12th हाउस में महिलाओं की सेहत थोड़ी सी नासाज हो सकती है। इस समय विशेष में आपको ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, वस्त्र आभूषण खरीदने का मौका मिलेगा। आपकी कोई मन की इच्छा थी वो इस महीने पूरी होने वाली है, शुभकामनाएं। अब बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देखिए पंचम भाव के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो वक्री चल रहे हैं और कर्म स्थान में, इसलिए जो लोग एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिशन को क्रैक करने का आसान तरीका सूर्य खुद बता रहे हैं, क्योंकि केंद्र में है और फिर पंचम स्थान में आ जाएंगे। डट कर सामना करिए चुनौतियों का, वो मजबूर नहीं मजबूत बनाने के लिए आ रही है। 2 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग है। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत शानदार समय। स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हैं वो अब छाने वाले, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने वाली है। अनुशासन का पालन जरूर करिएगा, डिसिप्लिन इतना आपको जरूर याद रखना है। जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें शनि और मंगल का जो षडाष्टक दोष है वो आपको आलसी, लेट लतीफी, लापरवाह या ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। इस वजह से आप मात खा जाएंगे, हो सकता है कि 1 या 2 नंबर से आप रह जाएं, वो भी कोर कसर मत छोड़िएगा। एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फाइटर पायलट हो या कॉमर्शियल पायलट हो या कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो मंगल इसमें आपके साथ अमंगल कर सकते हैं, इसलिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 15 दिसंबर से सूर्य जब पंचम स्थान में आ जाएंगे तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स इस समय विशेष में दौड़ भाग और बेहतर कर पाएंगे और उनको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करने वाले हैं। बस समय की महत्ता समझ लीजिए, जो मैंने शुरुआत में कहा था उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली तो समझ लीजिए ये समय आपका है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम के साथ साथ एंजॉय भी बहुत करने वाले हैं, और वैसे भी ईयर एंड है तो आपको छुट्टियां मनाने का भी मौका मिलेगा। इससे पहले छुट्टी मनाए उससे पहले आपको अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। बात करते सेहत और ट्रेवल प्लान की। 3 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मिनिमम यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। 2 से 27 दिसंबर तक शुक्र अष्टम भाव से 3-11 का संबंध बनाने वाले हैं, जिस वजह से विदेश में अगर पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब करने जाना चाहते हैं, तो ये ट्रेवल प्लान आपका यहाँ पर शुक्र बनाने वाले हैं। महिलाओं को हार्मोनल इंबैलेंस होना, मूड स्विंग होना अशांति दे सकता है। केतु की भी 6th हाउस और 8th हाउस पर दृष्टि है और शनि मंगल का षडाष्टक दोष हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। रात को देर तक जो लोग जागते हैं एंग्जायटी के मरीज बन जाएंगे। इस पर अगर आपने ध्यान दिया और रोजाना योग और प्राणायाम पर ध्यान दिया तो निश्चित मानिए जो भी तकलीफ है वो कम हो जाएगी और जो आने वाली है वो ना के बराबर आएगी, शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं यादगार और शानदार दिसंबर बनाने के विशेष उपाय। 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर अपने प्यार को पाने के लिए और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए इस दिन विष्णु भगवान को रौली और अक्षत का तिलक लगाएं। ओम पद्मनाभाय नमः और ओम ऋषिकेशाय नमः, इनकी एक एक माला इस दिन जाप करनी चाहिए, पीली चीजों को दान करना चाहिए। 15 दिसंबर से मलमास यानी खरमास प्रारंभ हो जाएंगे। आपका मन किसी चीज में उलझा हुआ है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय धार्मिक यात्राएं करिए, धर्म कर्म और पुण्य के काम करिए और कोशिश करिए कि आप नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभूते अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभ विष्णवे इस मंत्र की एक माला जाप करिए और कोशिश करें कि हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए या उसे सुना जाए। 26 दिसंबर सफला एकादशी पर सफल होने के लिए, किसी भी काम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा के समय में 2 हल्दी की गांठ जरूर रखिए और अगले दिन जब भी उस काम के लिए आप निकलें तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें या दाहिनी भुजा में आप इसे बांध सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। 30 दिसंबर देव पितृकारी शनिश्चरी अमावस्या पर आप लाल वस्त्र धारण करिए, घर की स्त्री को भी 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए और कोशिश करें कि इस दिन सपरिवार गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें और कहीं जल की व्यवस्था कर दीजिए, पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरे प्रिय सिंह राशि वाले दर्शकों, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली, जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव
परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान, कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।